कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों में बेपटरी हो गए विद्यार्थियों की रेल को बड़े ही सलीके से पटरी पर लाकर दौड़ाने का कार्य शिक्षक समुदाय ने किया, जिससे इनकी महती भूमिका परिलक्षित होती है। ये उद्गार स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने व्यक्त किया। मौका था शिक्षक दिवस समारोह का। समारोह की शुरुआत स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में शिक्षाविद डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुई। इन विपरीत परिस्थितियों में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कर विद्यालय प्रबंधन ने एक नई ऊर्जा का संचार किया। इस कार्यक्रम में सभी शाखाओं के शिक्षक शिक्षिका व शिक्षणेत्तर कर्मचारी शामिल हुए। प्रबंधन की ओर से आमंत्रित सभी शिक्षक कर्मचारियों को पुष्पाहार अंगवस्त्रम व उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वाराणसी मिर्जापुर सोनभद्र की सभी शाखाओं से आए लगभग 250 शिक्षकों के समूह को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय समूह के प्रधानाचार्यगण सीएस सिंह, डॉ एके चौबे, रचना अग्रवाल, डॉ संतोष कुमार चौबे, अशोक कुमार वर्मा, नीरज श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य अमिता सिंह सहित सभी शिक्षक शिक्षिका व शिक्षणेत्तर कर्मचारी उपस्थित रहे। स्पेशल है कि जब कभी हम लोग बाहर मिले तो एक दूसरे को पहचान सके, जान सके, एक दूसरे से परिचय बढ़ा सके, और कभी हम बाहर भी मिले स्कूल के तो एक दूसरे को से बातचीत शुरू कर सके। इस पांचों ब्रांच, छह ब्रांच के बीच को एक साथ अगर यहाँ बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा उद्देश्य ये भी है। तो इस जो शिक्षक सम्मान समारोह के लिए बड़ा आयोजन जो हुआ है, तो मैं इन दोनों उद्देश्यों के लिए आप सबों का, सभी का फिर से एक बार इस बनपुरवा के सभागार में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 250 शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, उसे अपनी असीमित ऊर्जा और ज्ञान का उपयोग कर फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने का आह्वान करता हूं। मैं सभी को शिक्षक दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं।